ये जो पर्युषणा महापर्व है, पर्युषणा इसमें चार शब्द है, पर्युषणा चार शब्द के संयोजन से बना हुआ यह शब्द है पर्युषणा। चारों तरफ से चार शब्द क्या दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं, चारों तरफ से भटकते हुए मन को आत्मा में लाकर के स्थिर कर देना, यह है पर्युषणा। ये चार शब्द हमें बता रहे हैं कि चारों दिशा में मन भटक रहा है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी मन यहां चला जाता है तो कभी मन वहां चला जाता है। और इसलिए बताया कि जो चारों तरफ से ये चार शब्द बड़े संदेश सूचक है, बड़े संदेश देने वाले हैं। यदि पर्युषणा का सार देखा जाए तो ये चार शब्दों में समाविष्ट है। और इसलिए कहा कि चार शब्द क्या संदेश देते हैं, जो चारों तरफ से भटकता हुआ आत्मा है उसको एक जगह पे लाना, यह है पर्युषणा। जो चारों तरफ भटकता हुआ मन है उसको धर्म में लाकर के स्थिर करना, अपने आप के लिए विचार करना, अपने आप के लिए सोचना, खुद के जीवन के लिए कुछ चिंतन करना, खुद के जीवन के लिए कुछ विचारणा करनी, खुद के बारे में कहीं ना कहीं कुछ चिंतन करना, यह है पर्युषणा। पर्युषणा में चार शब्द है। पहला शब्द है प, पहला शब्द कौन सा है, कौन सा है, ये दो संदेश देता है। हर एक शब्द दो दो संदेश देते हैं और उससे हमें पता चलता है कि पर्युषणा महापर्व की ताकत क्या है, पर्युषणा महापर्व में क्या पावर रहा हुआ है, क्यों ये चार शब्द इतने अतुलनीय है, क्यों ये चार शब्दों के भीतर इतनी गजब की ताकत रही हुई है। ऋषि ने कहा कि पहला शब्द है प, प हमें संदेश देता है प्रमाद का अंत हो और पुरुषार्थ का प्रारंभ। प हमें क्या सिखाता है, हम हर साल पर्युषणा महापर्व करते हैं, पर्युषणा महापर्व की आराधना करते हैं, लेकिन हमने कभी यह सोचा नहीं कि पर्युषणा का प हमें क्या सिखाता है। पर्युषणा का प सिखाता है प्रमाद का अंत और पुरुषार्थ का। उत्तराध्यायन सूत्र के माध्यम से परमात्मा महावीर ने बार 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 हमें एक ही बात कहने की कोशिश करी कि हे जीव प्रमाद को छोड़, क्योंकि तेरे जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान देह यदि कोई है तो वो तेरा प्रमाद है। और इसलिए आचार्य चाणक्य ने भी लिखा, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो, कहा कि बाहर के दुश्मन की तो बात छोड़ो, आपके जीवन के खुद के दुश्मन यदि कोई है तो वो आपकी आलस्य है, आपका प्रमाद है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर समझ लेना, आलस्य बड़ी खतरनाक, प्रमाद से हर काम बिगड़ता है, प्रमाद से हर चीज बिगड़ती है। इसलिए शास्त्रकार भुगवत ने कहा कि पर्युषणा का प सिखाता है प्रमाद का अंत और पुरुषार्थ का प्रारंभ। हम पुरुषार्थ करना शुरू करें, प्रमाद को छोड़ते जाए, ये जीव को अनेकों बार ये मनुष्य जन्म मिला है, अनेकों बार ये जिन शासन मिला है, अनेकों बार ये परमात्मा का शासन मिला है, अनेकों बार ये संयम धर्म मिला है, अनेकों बार देवगुरु और धर्म मिले हैं, अनेकों बार हर चीज मिली है, लेकिन फिर भी हमारे हालात वैसे के वैसे है, क्योंकि सब कुछ प्राप्त होने के बाद में भी हम क्या नहीं छोड़ पाए, क्या नहीं छोड़ पाए, प्रमाद। हर चीज हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भीतर में रहा हुआ जो प्रमाद है, जो आलस्य है, वो नहीं छोड़ पाते। और इसलिए शास्त्रकार भुगवन कहते हैं कि पर्युषणा का प सिखाता है प्रमाद का अंत और पुरुषार्थ का प्रारंभ। अब तो पुरुषार्थ कर ले, अन्य भवों में अन्य योनियों में हमारे पास समझ नहीं थी, पुरुषार्थ नहीं करते थे, कोई बात कभी जिन शासन नहीं मिला पुरुषार्थ नहीं किया, कोई बात, कभी प्रेरणा देने वाले गुरु नहीं मिले पुरुषार्थ नहीं किया, कोई बात नहीं, कभी कोई चींटी का भाव मिल गया, कभी कुत्ते का भाव मिल गया, कभी सुअर का भाव मिल गया, कभी गाय भैंस का भाव मिल गया, और ये सब भावों में हमारे पास समझ नहीं थी, हम पुरुषार्थ न करें कोई बात नहीं। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि हर चीज मिलने के बाद, देव गुरु धर्म मिलने के बाद, जिन शासन मिलने के बाद, फिर भी हम प्रमाद करें तो हमारे से बड़ा मूर्ख और कौन। पर्युषणा का प हमें संदेश देने के लिए आता है, प्रमाद का अंत करते चलो, पुरुषार्थ का प्रारंभ करते चलो। मैं कई बार कह चुका हूं कि धर्म के क्षेत्र में जितना भी मिलता है न पुण्य से मिलता है, लेकिन मिलता है तो मात्र और मात्र पुरुषार्थ से मिलता है। धर्म के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जीवन में जितना पुरुषार्थ करते जाएंगे उतनी चीजें प्राप्त होती जाएंगी। और इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं, समझ लेना, पर्युषण का प हमें सिखाता है प्रमाद का अंत और पुरुषार्थ का प्रारंभ।
दूसरा शब्द है य, पहला शब्द है प तो दूसरा शब्द है य। और पर्युषणा का य हमें सिखाता है याचनाओं का अंत। हम आज तक याचना करते रहे, मांगते रहे, हर एक जीव से जहां पर भी गए, जहां पर भी खड़े हो गए, हमें मांगने की आदत हमारी गई नहीं। हम हर जगह से मांगते चले, चाहे कोई भी अवसर मिला, अरे यहां तक परमात्मा के पास जाते हैं तो वहां पर भी हमारी मांगने की भावना छूटती नहीं, वहां पर जाके भी हम मांग लेते हैं। ऋषि ने कहा कि याचनाओं का कब तक मांगते रहे, कब तक हमारी ये भावना बनी रहेगी कि हम मांगते रहे, गुरु के पास जाए तो वहां पर भी मांगना, देव के पास जाए तो वहां पर भी मांगना, अधिष्ठायक देवों के पास जाए तो वहां पर भी मांगना, हर एक जगह पर। अरे कोई व्यक्ति भी मिल जाए तो हम यही चाहते हैं कि मुझे इससे क्या प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए शास्त्रकार भोगवत ने कहा कि समझ लेना, पर्युषणा का यह हमें सिखाता है याचना। कहा बराबर समझ लेना, पर्युषणा महापर्व का यह हमें यह सिखाता है याचना का अंत और यात्रा का प्रारंभ। हम यात्रा शुरू करें, आज तक हमारा भ्रमण हो रहा है, यात्रा नहीं हो पाई। हम आज तक भ्रमण करते रहे, भ्रमण में आगे बढ़ते रहे, भ्रमण करते जाते रहे, लेकिन भ्रमण वो यात्रा का स्वरूप धारण नहीं कर पाई। और इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं, समझ लेना, पर्युषणा महापर्व का यह हमें सिखाता है याचनाओं का अंत और यात्रा का प्रारंभ। यात्रा शुरू करें, यात्रा में मंजिल मिलती है, भ्रमण में मंजिल नहीं। भ्रमण करके हम वापिस वहीं के वहीं आ जाते हैं, लेकिन यात्रा करते हैं तो कोई स्थान पर पहुंचते हैं, कोई सुरम्य जगह पर पहुंचते हैं, कोई लक्ष्य तक पहुंचते हैं, लक्ष्य हमें प्राप्त होता है, मंजिल हमें प्राप्त होती है, लेकिन यदि यात्रा नहीं है, यदि हमारा भ्रमण है तो हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं। कई लोग जीवन के 25-50-60 साल में भी यात्रा का प्रारंभ नहीं करते, 60 साल जीवन के हो जाए फिर भी लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़े, बस जीवन चल रहा है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, पर्युषणा महापर्व का यह हमें सिखाता है याचना का अंत और यात्रा का। जीवन यात्रा है, हम यहां आए हैं कोई लक्ष्य को लेकर के, कोई मंजिल प्राप्त करने के लिए, कोई मंजिल तक पहुंचने के। हमारा यहाँ पे आना हुआ, हमारा यहाँ पे आगमन हुआ, हम एक मंजिल को लेकर के यहाँ पे आए हैं। और इसलिए मंजिल पे यदि पहुंचना है तो कहीं ना कहीं यात्रा का शुभारंभ करना होगा, यात्रा का प्रारंभ करना होगा। बिना यात्रा हम मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, मात्र भ्रमण करते रहेंगे, मात्र घूमते रहेंगे, मात्र समय पसार करते रहेंगे, मात्र समय निकालते रहेंगे तो शायद हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इसीलिए पर्युषणा महापर्व का यह हमें सिखाता है याचना का अंत और यात्रा का। तीसरा शब्द है स। स क्या संदेश लेकर के आता है? पर्युषणा में जो स शब्द है यह भी दो संदेश लेकर के आता है। यह पहला संदेश लेकर के आता है शत्रुता का अंत। कहा पर्युषण का मुख्य संदेश तो यही है कि शत्रुता हमारे भीतर से खत्म हो जाए। जो शत्रुता हम लेकर के बैठे हैं, जो भीतर में छिपा करके बैठे हैं, जो भीतर में दबा करके बैठे हैं, वो शत्रुता खत्म। शत्रुता खत्म नहीं होगी तो यात्रा का प्रारंभ नहीं। शत्रुता को खत्म करना पड़ेगा, जो शत्रुता के भाव हमारे भीतर पड़े हैं। अरे बड़ी गजब की बात कई बार मैंने पढ़ी है, समझ ले, शत्रुंजय महातीर्थ के 3300 पगथिए चढ़ के, 3300 सीढ़ी चढ़ के दादा को भेंट लेना, दादा को मिल जाना, दादा के पास चले जाना, बड़ा समझ समझना। शत्रुंजय महातीर्थ के कितने सीढ़िया, 3300। शत्रुंजय महातीर्थ की 3300 सीढ़ियां चढ़ के दादा को मिल लेना बड़ा सरल है, लेकिन शत्रु के घर के 3 सीढ़ी चढ़नी बड़ी कठिन, वो बड़ी कठिन। कहीं ना कहीं वहां हमारा अहंकार हमें परेशान करता है, वहां हमारा ईगो हमें परेशान करता है, हम वहां पे 3 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते। शत्रुंजय जाकर के 3300 सीढ़ी चलने वाले शत्रु के घर की 3 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। और ये हमारा जैन धर्म ये कहता है, यदि शत्रुता का नाश नहीं किया तो जीवन यात्रा का शुभारंभ,
कहीं ना कहीं शत्रुता का नाश करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं शत्रुता को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए परशुराम महापर्व का सौ यह संदेश लेकर के आता है शत्रुता का नाश, और दूसरा संदेश यह लेकर के आता है समता का प्रारंभ। कहां है जीवन में समता? इतनी सामायिक करने के बाद, इतने धर्म में रम जाने के बाद, इतने धर्म में जुड़ जाने के बाद, इतने धर्ममय जीवन जीने के बाद, इतने तप त्याग करने के बाद, इतनी आराधना साधना करने के बाद जीवन में समता का, हम समता को प्रकट नहीं कर पाए, समता को उजागर नहीं कर पाए, समता जीवन में नहीं ला पाए। और इसीलिए परशुराम महापर्व का सौ यह संदेश लेकर के आता है कि शत्रुता का त्याग करते चलो और समता का प्रारंभ करते चलो। शत्रुता का अंत करना होगा और कहीं ना कहीं समता का प्रारंभ करना होगा, तभी जाकर के ये परशुराम महापर्व हमारे सफल, सार्थक और बेहतर बन पाएंगे। वरना हर साल परशुराम महापर्व आते हैं, हम वैसे के वैसे 8 दिन बहुत ठाठ माठ से आराधना कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, तप त्याग कर लेते हैं, लेकिन वापिस जैसे 8 दिन पूरे हो जाए वापिस वैसे के वैसे। कहां थोड़ी तो समता जीवन में, थोड़े तो समता के भाव जीवन में। परमात्मा महावीर से कुछ ना सीखो तो और कुछ नहीं, कम से कम समता तो सीख लो। क्या परमात्मा महावीर के संदेश थे, क्या परमात्मा महावीर की समता थी? अरे हम उनके जितनी समता न ला पाए जीवन में कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसकी 1% भी समता हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन बड़ा सरल बन जाए, हमारा जीवन बड़ा सुव्यवस्थित बन जाए। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, परशुराम महापर्व का सौ यह संदेश लेकर के आता है शत्रुता का अंत और समता का। एक एक शब्द में बड़े गजब के भावार्थ रहे हुए हैं, रहस्यार्थ रहे हुए हैं। हर हमारे जिन शासन की एक एक आराधना, एक एक शब्द की यह ताकत है, जो यदि उसका अर्थ समझ ले, उसको जीवन में ला दे तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए। और चौथा शब्द है न परियोजना। चौथा शब्द क्या संदेश हमारे जीवन में लेकर के आता है? चौथा शब्द भी दो संदेश लेकर के आता है। कहते हैं पहला संदेश है नाटक का अंत। हमने जीवन को एक नाटक बना कर रखा है, हर चीज हम दिखावे में जीवन जी रहे हैं। कहते हैं कई बार आज का आदमी और उसके आदमी के चरित्र को जब देखते हैं, समझना बड़ी गहरी बात है। कोई चिंतक ने बड़ी गजब की बात लिखी कि जब जब भी मैं मेरे सामने पिज्जा का बॉक्स देखता हूं तो मुझे आज के आदमी की याद आ जाती है। बड़ी गहरी चोट पहुंचाई है व्यक्ति ने लिख करके कि जब जब भी मैं पिज्जा का बॉक्स देखता हूं तो मुझे आज के आदमी की फितरत याद आ जाती है। बॉक्स जब मेरे सामने आता है तो वो स्क्वायर होता है। पिज्जा का बॉक्स कैसा होता है? हम तो खाते नहीं, आप खाते हो, आपको पता है कैसा होता है? कैसा होता है? स्क्वायर। वो चिंतक बड़ी गजब की बात लिखता है, वो कहता है कि जब जब भी मैं पिज्जा के बॉक्स को देखता हूं आज के आदमी की फितरत याद आती है। जब वो उसको बॉक्स को देखता हूं, बॉक्स स्क्वायर है, अंदर बॉक्स को खोलता हूं तो पिज्जा कैसा है? राउंड है। बॉक्स स्क्वायर है और यदि उसको खोला जाए तो पिज्जा राउंड है, और यदि उसको तोड़ा जाए तो वो ट्रायंगल है। तीन से पहचान ही नहीं पाते, भीतर से क्या, बाहर से क्या, अंदर से क्या, पहचाना नहीं जा सकता। ये आज के आदमी की फितरत है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, हमारे परशुराम महापर्व ये संदेश देते हैं, हमारे परशुराम महापर्व ये सिखाते जाते हैं कि समझ लेना नाटक का अंत। हमने जीवन को एक नाटक बना करके रखा, जीवन रूपी नाटक में हम सब बह रहे, कभी स्क्वायर, कभी राउंड, कभी ट्रायंगल, कभी रेक्टेंगल, कुछ पता नहीं चलता। हमारे मन कहां चल रहे हैं, हमारे मस्तिष्क कहां चल रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये परशुराम महापर्व का न ये संदेश लेकर के आता है नाटक का अंत और निर्माण का प्रारंभ। जीवन का निर्माण करना,
जीवन की यदि निर्माण की यदि आवश्यकता है तो हमें निश्चित तौर पर निर्माण करना पड़ेगा। हम जीवन को नाटक जरूर बना पाए लेकिन जीवन का निर्माण नहीं कर पाए, और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं ये परिसना महापर्व के चार शब्द हमारे लिए चार संदेश लेकर के आते हैं। समझ जाइए, जीवन को निर्माण बनाना है, जीवन को निर्मित करना है, जीवन में कहीं ना कहीं निर्माण की भावना प्रकट करनी है, और तभी जाके ये परिसना महापर्व हमारे लिए सार्थक। चार शब्द के चार संदेश। सबसे पहला शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द है? प। प क्या संदेश लेकर के आता है, क्या संदेश लेकर के आता है? प्रमाद का अंत। और दूसरा संदेश पुरुषार्थ का। ये संदेश लेकर के आता है प्रमाद का अंत और पुरुषार्थ का प्रारंभ। दूसरा शब्द है या संदेश लेकर के आता है याचना का अंत और यात्रा का प्रारंभ। ये संदेश लेकर के आता है। तीसरा शब्द है स, और स ये संदेश लेकर के आता है शत्रुता का अंत और समता का प्रारंभ। और चौथा शब्द है न, और न ये संदेश लेकर के आता है नाटक का अंत और निर्माण का प्रारंभ। ये ताकत परिसना महापर्व की है, और इसीलिए मैं आपको कहता हूं यदि चार शब्दों को समझ लिया तो कहीं ना कहीं हमने पूरे परिसना महापर्व को। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।